केले के नीचे वाला सामान होता है ये वैसे करते हैं भाई। एक बात बता दूं ना भाई, तो ट्रोल करने से पहले ना थोड़ा जान पहचान कर लेना, ये 2023 नहीं 2024 चल रहा है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड होने भी चाहिए। तो गाइस बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जानू स्टंट्स वर्सेस अमीन भट्ट के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यार इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइस इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करने से पहले जो भी बंदा मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो गाइस आई होप कि आप सब बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दिया होगा। एनीवेज गाइस बढ़ लेते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो गाइस ये बात स्टार्ट होती है आज से 3 दिन पहले, जहां पर जानू स्टंट्स राजा डीसी एंड आमिर माजिद एक साथ राइड कर रहे होते हैं। एंड गाइस उसी राइड पे अमीन भाई की वजह से कई बंदों का क्रैश हो सकता था। एंड गाइस उसी चीज पे रिएक्ट करते हुए राजा डीसी के चैनल पे एक वीडियो आउट हुआ, जहां पे यार वो कुछ ये कहते हैं, हमारा ग्रुप था जानू मैं और भी बहुत सारे बंदे थे भाई। एक बंदे ने, बंदा भी क्या बोलूंगा, अनपढ़ बोलूंगा सीधा भाई, मतलब उसकी वजह से ना भाई बहुत सारे बंदों को ना उस दिन लग सकती थी। अभी मेरे पास ब्लॉग पड़ा हुआ, मैंने डाला नहीं है, डालूंगा आप जरूर देखना। तो एक बंदे ने बीच में ब्रेक मार दी और उसकी वजह से 2-3 बाइकर्स मतलब मरने वाले थे। बातें सुन के आधा दिमाग घूम जाता है कि ऐसी ऐसी बातें करता है, कंट्रोल है तो ये है, पाउंड लगाओ बाइक पे पहले जाके, ठीक है, फिर कंट्रोल की बातें करना। देन गाइस इसका रिप्लाई करते हुए अमीन भट्ट के चैनल पे भी एक वीडियो आउट होता है, जहाँ पे यार वो राजा डीसी को ट्रोल करते हुए कुछ ये कहते हैं। और भाई मैंने वीडियो देखी एक बंदे की, बंदा अपनी वीडियो में बोल रहा है भाई के भाई बंदू को गाड़ी चलाने नहीं आती, वो बंदे नहीं है, वो अनपढ़ है। मतलब बंदे ने मुझे अनपढ़ बोला, भाई ठीक है यार मुझे गाड़ी नहीं चलाने आती, मैं अनपढ़ हूँ, मान लिया भाई अनपढ़ हूँ। यार अगर आप पढ़े लिखे हो तो भाई आप क्यों ब्लॉगिंग कर रहे हो? आप एक काम करो, IAS करो, KS करो, IPS करो, आप क्या ब्लॉगिंग में इधर इधर टाइम पास? आप क्यों रोड पे खज्जल? अच्छा दूसरी बात, ठीक है मैं अनपढ़ हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप ट्रैफिक वालों को मारते हो, ट्रैफिक वालों के पुलिस वालों के बीच कट मारते हो, गाड़ी ठोकते हो, कुछ तो मीडिया वालों को भी बोलते हो हमारे बारे में वीडियो बनाओ। आप पढ़े लिखे हो, ठीक है भाई, अगर ऐसे पढ़े लिखे होते तो मुझे पढ़े लिखे नहीं बनना, मैं अनपढ़ ही ठीक हूँ इस हिसाब से। गाइस ये कुछ सीन होता है। एंड गाइस उसके बाद अमीन भट्ट एंड जानू स्टंट्स के बीच में यार थोड़ी सी बहस हो जाती है बोट राइडर कैफे में। एंड गाइस वहाँ पे क्या होता है आप खुद ही देख लो। सब साथ में रो भाई, सब साथ में रो, सुधू रख जाता ना, मैं आपको उधर नहीं लेके जाता उत्तराखंड। तो नहीं वो भी मैंने आपको भाई पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, तो आप उत्तराखंड क्यों याद रखते हो? छोटे क्रिएटर नॉन फर्क नहीं पड़ता भाई। नहीं आपने ये चीज बोली, आपने ये चीज बोली, जितने भी क्रिएटर है ना अभी सबके सब्सक्राइबर भाई, आपने ये चीज बोली कि तू उसको भाई बोल रहा है, आपको इससे प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आमिर को, जान को, दोनों को भाई बोलता हूँ, इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? उन्होंने बोला 6-6 महीने शिफ्ट करता है। एंड गाइस जब अमीन भट्ट व्लॉग्स अपने चैनल पे इस वीडियो को अपलोड करते हैं, देन गाइस वो अपने थंबनेल में डाल देते हैं कि जानू स्टंट्स ने बोला सॉरी। एंड देन गाइस जानू स्टंट्स के चैनल पे एक वीडियो आउट होता है, जहां पे यार वो इनको ट्रोल करते हुए कुछ ये कहते हैं। उसके बाद भाई मैंने भाई को बोल दिया कि आप 6-6 महीने की शिफ्ट लगाते हो, भाई को आप साइको बच गया कि यार इतनी असलियत क्यों बोल रहा सबके सामने। बाकी जो उसके साथ में खड़े होकर उसकी साइड दे रहे थे ना, उनके बारे में भी इतनी बातें की है उसने। चलो ऐसे बंदों को स्टैंडर्ड ही है ना, ऐसे बंदों को ना कंसीडर ही नहीं करता कि हाँ ये कोई बंदे भी है। मतलब बाकी भाई ने थंबनेल में डाला, जानू भाई ने बोला सॉरी, सॉरी तो फिर आपको पता ही है मैं किसी के फादर को नहीं बोलता, तो ये तो बड़ा छोटा है अभी, ठीक है ना। ये पता क्यों लगता है जो केले के नीचे वाला सामान होता है ना, ये वैसे बंदे हैं भाई, इनके साथ क्या बहस करूंगा। एंड गाइस अभी अभी राजा डीसी के चैनल पे एक वीडियो आउट होता है, जहाँ पे यार अमीन भट्ट एंड जानू स्टंट्स की फाइट हो चुकी है। तो गाइस आप सबसे पहले वो वाली क्लिप ही देख लो। छोड़ यार मैंने गाली दी, तो गाइस यार बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस ये भी बताना कि यार आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी यार जल्दी मिलते किसी और दिन एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।